हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा सर झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, सर झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। हेलो गाइस, मैं प्रदीप नागर आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायो मंत्र में। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे भारत में जैव प्रौद्योगिकी की, हम बात करने वाले हैं इसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से ये बायोटेक्नोलॉजी का गठन भारत के अंदर हुआ है, ये सारी की सारी हिस्ट्री हम इसमें देखने वाले हैं। और गाइस, इसके पहले हमने जो है इंट्रोडक्शन क्लास फर्स्ट को पढ़ लिया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप जो है उस फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास को पढ़ सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज की वीडियो में हमारा सबसे पहला पॉइंट है जैव प्रौद्योगिकी पर बल। तो सबसे पहले यहां से हम बात करेंगे कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस में जैव प्रौद्योगिकी पर सर्वप्रथम बल दिया गया था, और ये दिया गया था 1982 के अंदर। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है हमारे पास में कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस में सर्वप्रथम जैव प्रौद्योगिकी पर बल दिया गया था सन 1982 में। लेकिन इसके बाद में देखो, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि आपके एक संस्था है NBTB, इसका गठन किया गया। NBTB का गठन किया गया, इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें तो नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड, इसकी स्थापना की गई आपके। ठीक है, अब देखो ये इसकी स्थापना कर दी NBTB की, कब की, जब आपके यहां पर जैव प्रौद्योगिकी पर भारतीय विज्ञान कांग्रेस में सन 1982 में इस पर बल दिया गया, और इसके परिणाम स्वरूप आपके NBTB की क्या कर दी, यहाँ पे स्थापना कर दी, इसका गठन कर दिया। लेकिन इसको क्यों किया गया, इसका अगर हम उद्देश्य देखें यहां से तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो देश में बायोटेक्नोलॉजी है उससे संबंधित जो गतिविधियां हैं उसका समन्वय करना। ठीक है, देश में बायोटेक्नोलॉजी की गतिविधियों का समन्वय करना या इनको निरंतर आगे बढ़ाना जो है इसका क्या है, मेन उद्देश्य है NBTB का। आगे हम देखते हैं कि इसी के जस्ट बाद में आपके इन उद्देश्यों को देखते हुए प्रारंभ में जब आपकी बायोटेक्नोलॉजी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा था, इसका महत्व को देखते हुए प्रारंभ में जो है ये इंडियन गवर्नमेंट के अधीन चलता था। लेकिन इसके बायोटेक्नोलॉजी के महत्व को देखते हुए क्या हुआ कि DBT की स्थापना की गई सन 1986 के अंदर। किसकी स्थापना की गई, DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की गई सन 1986 में। अब देखो इसका मेन कारण क्या है, यहाँ पे DBT का स्थापना क्यों की गई 1986 में, तो इस DBT संस्था के द्वारा क्या किया जाता है कि जितने भी आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय हैं, संस्थाएं हैं, उन सभी का विकास करने के लिए या नए शोध संस्थानों को स्थापित करने के लिए या उनको योगदान या अनुदान देने के लिए, जैसे कोई पिछड़ा संस्थान रहता है तो उसको अनुदान देना ताकि वो आगे बढ़े। ठीक है, इस बायोटेक्नोलॉजी के कुछ नए नए जो है शोध क्रियाएं ये करे, तो ये DBT जो आपकी संस्था है ये काम करती है आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं या विश्वविद्यालयों को स्थापित कराने के लिए। आगे हम देखते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्थापित विशेष केंद्र भारत के अंदर कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे काफी सारे हमारे पास में स्थापित विशेष केंद्र आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, लेकिन हम यहाँ पे कुछ संस्थानों की हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। आगे देखिए हम दिल्ली विश्वविद्यालय, ये भी न्यू दिल्ली के अंदर है। आगे हम देखें मदुरई कामराज विश्वविद्यालय जो है मदुरई के अंदर है जो कि तमिलनाडु में है आपके मदुरई। आगे देखते हैं बोस संस्थान की अगर बात करें तो यह है आपके कोलकाता के अंदर
आगे देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो ये है आपके नई दिल्ली के अंदर। कहां पे है? नई दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। आगे हम देखते हैं कि भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान की अगर हम बात करें तो यह है बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। जेनेटिक आनुवांशिक अभियांत्रिकी जो है आपके, वो उसके लिए भारतीय विज्ञान संस्थान प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं कोशिका एवं आणविक विज्ञान के अंदर कहां पर है, तो यह है आपके हैदराबाद के अंदर। कहां पर है? हैदराबाद के अंदर। आगे देखें NBRI की बात करें तो ये है आपके पास में कहां पे हो जाएगा, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको बोला जाता है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल बॉटेनिकल इंस्टीट्यूट की हम बात करें तो ये है आपके लखनऊ के अंदर। कहां पे है? लखनऊ के अंदर, लखनऊ में है आपके NBRI, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पे है? लखनऊ के अंदर है। नवे नंबर पे बात करें, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, ठीक है, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, सेंट्रल केमिकल लेबोरेटरी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये है आपके पुणे के अंदर। कहां पे है? पुणे के अंदर। पुणे विश्वविद्यालय की बात करें तो यह भी है आपके पुणे के अंदर है। और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर, ठीक है। तो यहां से हमने जो है ये कोयम्बटूर आपके तमिलनाडु के अंदर हो जाता है। आगे देखें कि भारत में जो DBT है इसके द्वारा कौन कौन से काम जो है किए जाते हैं। DBT मुख्य संस्था है अभी तक चलने वाली, जो कि काफी सारे काम यहाँ पे संभालती है इंडिया के अंदर। जब से कांग्रेस जो आपके यहाँ पे चलती थी, भारतीय विज्ञान कांग्रेस, पहले ये संभाला करती थी, लेकिन उसके बाद में फिर NBTB भी संभालती थी, उसके बाद फिर DBT का आया, और प्रेजेंट टाइम पे क्या चल रहा है वो भी अपन आगे देखेंगे। तो भारत में DBT के द्वारा जनन द्रव्य संग्रहण और संरक्षण, पुनर्स्थापन और इन सभी की योजनाएं जो है चलाई गई DBT के द्वारा भारत में। और देखें यहां से कि जनन द्रव्य संग्रहण होता गया है, तो किसी भी फसल होती है या उससे संबंधित जंगली फसलें होती है उनका हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, जीन प्रारूप ले लेते हैं, और उन जीन प्रारूपों का संग्रहण किया जाता है, या इसी को हम बोल सकते हैं यहाँ पे जीन बैंक, जिनके अंदर जीनों का संग्रहण किया जाता है, जो कि -196 डिग्री सेल्सियस पर इनका संग्रहण जो है जीन बैंक में होता है। आगे देखते हैं NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। तो देखिए NBPGR जो है आपके क्या हो जाता है, इसका फुल फॉर्म नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जो कि आपके न्यू दिल्ली के अंदर है। कहां पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। अब इसके द्वारा NBPGR के द्वारा क्या किया गया, क्लोनीय फसलों के जो जनन द्रव्य संग्रहण होता है, और इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय पादप उत्तक संवर्धन, इन सभी की सुविधाएं जो है NBPGR प्रोवाइड करवाता है इंडिया के अंदर, ठीक है। आपको आपको बात समझ में आ गई होगी, एक बार और समझने की कोशिश करना। NBPGR न्यू दिल्ली के अंदर संस्था है, जिसके अंदर क्लोन जो क्रॉप होती है उनके जनन द्रव्य संरक्षण के लिए, और राष्ट्रीय जो पादप उत्तक संवर्धन होते हैं, तो उन सभी उनका ट्रांसफर या आदान सुविधा जो है ये उपलब्ध करवाता है हमें। आगे देखते हैं CIMAT, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड आपके पास में होता है एरोमेटिक प्लांट। दोबारा देखिए इसको, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एरोमेटिक एंड एरोमेटिक प्लांट हो जाता है आपके पास में। CIMAT एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट, जो कि आपकी ये है लखनऊ के अंदर। कहां पे है? लखनऊ के अंदर। और लखनऊ की यहां से बात करें, देखिए CIMAT की, तो ये क्या करती है कि आपके जो प्लांट होते हैं, औषधीय पादप और सुगंधित जो पादप होते हैं, उनका जनन द्रव्य को संग्रहित करती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देखिए औषधीय पादप, औषधीय
वह सुगंधित जो पादप होते हैं, सुगंधित पादप का जनन द्रव्य संरक्षण या संग्रहण जो है, ये संग्रहण करने का काम आपकी कौन करती है? CIMAT संस्था करती है। आगे देखें कि DBT के अलावा इंडिया के अंदर चलने वाली एक और बेस्ट संस्था है जो कि अनेक शोध क्रियाओं को अभी बढ़ावा दे रही है, ठीक है, ICAR इसको बोलते हैं, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो संस्था है आपके DBT के अलावा एक और संस्था है ये, या इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें एक्स्ट्रा जो इंडिया के अंदर चलती है संस्था, तो ये भी क्या करती है, अनेक बायोटेक्नोलॉजी की जो शोध क्रियाएं हैं उनको भी क्या कर रही है, ये बढ़ावा दे रही है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये कहां पर है आपके, ये है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर है। तो गाइज आज की वीडियो में हम यहां तक ही बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।